वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों के पित्ताशय में कैंसर होता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि पित्ताशय की थैली में कैंसर के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जाँचों को कराकर पित्ताशय के कैंसर का पता करके उसका सही इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पित्ताशय की थैली में कैंसर के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसे समझकर आप अपनी वक्त पर सही जांचों को कराकर पित्ताशय के कैंसर का पता करके उसका सही इलाज करा के अपने जीवन को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। पेट में दर्द का होना, विशेष रूप से पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में होना, त्वचा में खुजली का होना, पेट का फूलना, बुखार का आना, पीलिया का हो जाना, भूख का ना लगना, बिना किसी कारण के अचानक से वजन का कम हो जाना, जी का मिचलाना या उल्टी का आना, और भाइयों पेशाब और मल के रंग में बदलाव हो जाना। तो भाइयों, पित्ताशय में कैंसर के हो जाने पर यह सभी लक्षण आते हैं। तो भाइयों, अगर आपको यह लक्षण है तो आपको दो जांचों को तुरंत ही करा लेना चाहिए। आपको सुबह खाली पेट का एब्डोमिन का अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए और आपको LFT प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। तो भाइयों, जिन लोगों को पित्ताशय का कैंसर है तो आप सही कैंसर अस्पताल में ही अपना इलाज कराएं, उल्टा सीधा इलाज ना कराएं। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।